नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो बेसिकली नज़ारा टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं इंडिया की एक सबसे पॉपुलर गेमिंग कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का बिजनेस जो है अभी बहुत छोटा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास है। तभी बड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, क्योंकि एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो हमेशा स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर एक चीज़ को याद रखना कि जब भी आप कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी को ढूंढ रहे हैं, तो आपको हमेशा कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक रिस्क को जरूर मैनेज करके काम करना होगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी जितना भागते रहते हैं उतना गिरते भी रहते हैं। अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आए तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिलता है। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर फॉलिंग आया? देखिए, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना तो कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिले। पहले जो पैटर्न्स बना था उसका तो टारगेट एंट्री हो चुके हैं। दूसरा जो पैटर्न्स बना उसके अगेंस्ट में देखो तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल, दोबारा हैंडल बने, और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर चुके हैं। ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया है। अभी देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा वीक होता चला जा रहा है, मतलब सेलर जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ से अगर ऊपर गए तो कौन से लेवल तक जा सकते हैं? कंपनी इस लेवल को जो ब्रेकआउट किया है, यहाँ से अगर ऊपर गए तो 1342 लेवल तक जाने का चांसेस है। अभी 1342 लेवल्स जो है वो इस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्ट मतलब लाइफ टाइम हाई के भी लेवल्स है, सॉरी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल को रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनता हो देखने को मिले, पहले क्या बना कप, उसके बाद हैंडल बने, और इस हैंडल बनने के बाद कंपनी यहाँ पर रिटेस्ट किया, वहाँ से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पीक लेवल तक गए तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ओवरऑल 46% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या सचमुच में कंपनी में इस अपटर्न जर्नी कंटिन्यू होगा? उसके लिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड जो है वो डबल होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, क्योंकि पहले था 7%, आज हो चुके 14%। और उसी तरीके से अगर मैं FIIs के बारे में बात करूँ तो FIIs के पास 8.5% था, शेयर गिर के 6% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास भी जो होल्डिंग्स है वो FIIs के पास थोड़ा सा कम हुआ, मगर म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी के पास जो पब्लिक के पास होल्डिंग है सबसे ज़्यादा है, 67%। इस पब्लिक के बीच सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स लेकर कौन चल चल रहा है, और वो चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं राकेश जुनियलवाला जी। तो उनके नाम में पहले 10% से ज़्यादा होल्डिंग्स था, अभी वही होल्डिंग उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे सेलिंग किया है। बाकी देखिए बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप भी अब अगर काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ों को समझकर स्टडी करिए। तो कंपनीज के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखूँ तो कंपनी का सेल्स का डेटा तो पॉजिटिव है, उसके साथ साथ रेवेन्यूज़ का ग्रोथ वो भी स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। हाँ, पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का बुरी तरीके से प्रॉफिट कम हो गया था। अभी प्रॉफिट कम होने के पीछे रीज़न कौन सा है? अगर मैं पिछले बार के प्रॉफिट कम होने का रीज़न देखूं तो कंपनी का सेल्स जितना था उतना ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़ीरो हो गया था। तो बेसिकली कंपनी को टैक्स भी नहीं देना पड़ा, अगर टैक्स देना पड़ता तो कंपनी प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाते। तो ये कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपकी क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी को इस पीक लेवल तक जाने के लिए इंतजार करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है BSE लिमिटेड। देखिए मार्केट लगातार गिरते चले जा रहा है, इस टाइम में भी BSE के ऊपर चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि BSE के ऊपर चार चांद लगने के पीछे रीज़न भी है। क्योंकि देखिए मार्केट में जो इतने दिनों से ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा था, ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी थे, बहुत सारे लोग लॉसेस कर रहे थे, 95% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है। इसके लिए सेबी ने एक नया रूल्स जारी किया है, और 1 अक्टूबर से वो रूल्स ऑफिशियली पब्लिश किया गया है, जल्द से जल्द उसके ऊपर आपको काम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन बताया गया कि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलता है, NSE को। तो NSE के सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग अलग सेगमेंट था,
जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, उसके साथ साथ और भी निफ्टी मिड कैप हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का ऑप्शन के ट्रेडिंग होते थे। और हफ्ते में 3 से 4 उसका एक्सपायरी भी अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर देखने को मिलता था। अभी सेबी ने नया रूल्स जारी किया कि BSE का एक ऑप्शन एक्सपायरी होगा और NSE का एक ही ऑप्शन चलेगा, दो ऑप्शन नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पे BSE का इतने दिनों से फ़ायदा नहीं हो रहा था, अभी BSE का भी फायदा होगा, क्योंकि अभी वीकली ऑप्शन का जो एक्सपायरी डेट था वो ख़त्म होने मतलब ख़त्म कर दिया BSE ने, सॉरी सेबी ने, और वो अभी मंथली एक्सपायरी होगा। तो सोचिए इतने दिनों से जो NSE सारे मलाई खा रहे थे वो आज ख़त्म हो जाएगा, मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा। अभी BSE का एक ऑप्शन ट्रेडिंग होगा एक सेगमेंट के ऊपर, और NSE का एक सेगमेंट के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होगा। BSE का सेंसेक्स के ऊपर होगा, और NSE अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो निफ्टी के ऊपर करेंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर करेंगे, तो जल्द से जल्द उसका अपडेट आएगा। तो यही यही बात BSE को सीधा सीधा फायदा हुआ, और इसीलिए BSE लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट पिछले दिन में आप देख सकते हैं 2% से अच्छा खासा करेक्शन हुआ, 2% से भी ज़्यादा। तो क्या इस तरीके से करेक्शन के बाद BSE में गिरावट नहीं होना चाहिए था? हाँ, गिरावट तो होना चाहिए था, मगर सेबी के एक कमेंट के माध्यम से ही पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। तो BSE मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग कंपनी है, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, इसका रेवेन्यू, इसका ग्रोथ मुझे हाईली ग्रोथ देखने को मिला, 200 से सीधा सीधा 600, मतलब कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुगुना, सॉरी 3 गुना से ज़्यादा 1 सालों में। उसी तरीके से प्रॉफिट को भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी 118 से लेकर सीधा सीधा 264 के आसपास चला गया। मैं पिछले साल के मार्च के प्रॉफिट में इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आधा से इनकम आया था, इसीलिए 440 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। एक्चुअली कंपनी के इतना प्रॉफिट प्रॉफिट तो हुआ, कंपनी का जो मदर बिजनेस है उसमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत बार दिखा चुका हूँ। अभी ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर भी कितना ट्रस्ट कर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग नहीं था, आज सीधा सीधा म्यूचुअल फंड ने 8.5% होल्डिंग को बढ़ा दिया। उसी तरीके से FIs भी 7.5% से 11.5% कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन तब ट्रस्ट करते हैं जब कंपनी में पोटेंशियल है। तो BSE के ऊपर जो मेरा चार्ट पैटर्न था वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं पहले से ही एक एक रेंज के बेसिस में ट्रेड लेकर रखा हूँ, यहाँ पे एक रेंज बने, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे एंटी बने, और एंटी बनने के बाद मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो लेवल निकल कर है करीबन 4,830 के आसपास। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर इस टारगेट कब मिलेगा, ये मुझे कभी भी पता नहीं होता, क्योंकि कब टारगेट होगा ये बोलना गलत होगा, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है कि किस लेवल को ब्रेक करने के बाद बाई आ सकते हैं। प्रेडिक्शन ये नहीं कि कितने दिनों में टारगेट मिलेगा, क्योंकि एक कोई आपको बोल भी नहीं सकते। हाँ, आपको अंदाजे से बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ कि चलो 6 मान के अंदर अंदर टारगेट मिल जाएगा, ये कहना तो गलत होगा ना, कि क्योंकि अभी देखिए कितना दिन हो चुके हैं जहाँ से एंट्री लिया, जहाँ से एंट्री लिया अभी से देखा जाए तो कंपनी 140 दिन हो चुके हैं, तो 140 दिन का मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के आसपास होने वाला है। तो सोचिए 5 मंथ तो होने वाले हैं, अभी तक टारगेट मिलने में तो अभी तो बाकी है, तो यहाँ पे कहना गलत होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर अगर भरोसा है तो आज नहीं तो कल उसको टारगेट का अचीव होगा ही, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और चीज़ों को स्टडी करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको हम लोग IEX नाम से जानते हैं। तो IEX के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी फाइनली टारगेट अचीव होने के बाद ही कंपनी के ऊपर बिग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, हाई वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से बड़ा फॉल हो सकता है? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम एक लेवल क्रिएट कर रहा है, दो तरीके से सीनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर वो नीचे आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो उसका पहला जो सपोर्ट पॉइंट मिलेगा 170 के आसपास, और अगर ऊपर गए गए तो फास्ट उसका जो रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा 230 के आसपास, और इसका लाइफ टाइम जो हाई है 250 के आसपास। इस तरीके से कुछ लेवल्स बना है, और इसी के बीच में मुझे एक पैटर्न्स भी देखने को मिला, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। पहले तो पैटर्न्स का टारगेट अचीव हो चुके हैं, जो पहले कफ विथ हैने पैटर्न्स बना था उसका ब्रेकआउट करने के बाद ही फाइनली यहाँ पे टारगेट मिला। दूसरा एक पैटर्न्स फिर से बनने जा रहा है, एक कप बने और उसके बाद अगर शोल्डर बने तो फिर से एक फ्रेश एंट्री बन सकता है, और एक इसका लाइफ टाइम जो हाई है उस लेवल तक जा सकते हैं। तो IEX के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है, कंपनी में हर जगह से हर दिशा से पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जो दो चीज़ बेस लगा, एक रुपया भी कर्जा नहीं है और रिजर्व हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं,
फिक्स्ड एसेट भी देखिए 12 से सीधा सीधा 110 करोड़ हो चुके हैं। तो किस हद तक कंपनी के रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट बढ़ चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी इस वीडियो का, उसका नाम है टाटा मोटर्स। बेसिकली टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी जल्द से जल्द, आपको इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया दिख रहा है वो 1 रुपया होने वाला है, मतलब एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाला है। ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को एडुकेशन पर्पस में लेना और एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।